बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम है सैयद आफ्ताब हुसैन शाह, मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। जी सर, मैं सर 4 फरवरी तो यहाँ पे आप कहाँ कौन कौन सी जगह पे गए? मैं जम्मू में गया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हैं, भतीजी लगती है रिश्ते में, मैं उसकी शादी में गया था, इन्वाइट किया था उन्होंने मुझे। तो किस तरह का माहौल आपको यहाँ लगा? बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो किसी किस्म की यहाँ परेशानी नहीं हुई, इन हालात में भी हम लोग खुश हैं, यहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हुकूमत की तरफ से भी हमें कोई किसी किस्म की धमकी यहाँ नहीं मिली, अल्लाह के करम। तो आप पहली बार आए हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ, मैं और साथ मेरी वाइफ है। तो क्या उम्मीद करें कि आप दोबारा आना पसंद करें? इंशाल्लाह, हमें अभी जाके जो है ना डीसी साहब के ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट जो है इनकी फ़ोटो कापी वहाँ जमा कराऊँगा, उम्मीद करूँगा कि मुझे ये वीज़ा नेक्स्ट 8 ईयर के लिए ना एक्सटेंड करेंगे। दोनों मुल्कों के माहौल इस वक्त कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो चाहते हैं अल्लाह करे दोनों का इत्तेफाक हो जाए तो अच्छा है, ताकि हम लोगों में आना जाना लगा रहे, एक दूसरे की हम ज़ियारत करें तो कितनी अच्छी बात है। आज बेसिकली हमारे यहाँ से 3 रिटर्नी थे पाकिस्तान के, जो यहाँ से हम जाने थे, इधर से फ्रेश तो कोई नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ गेट पे पहुँचे तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला, फ्लाइट मीटिंग नहीं हो पाई, गेट ही नहीं खुला क्योंकि वो लोग आए नहीं वहाँ पे। तो हमारे फिर पैसेंजर जो हैं वो वापस आए। अब बेसिकली यहाँ पे आज छुट्टी भी थी इंडिया में, जिसकी वजह से मे बी उनके जहन में कुछ चलता हो कि छुट्टी की वजह से शायद क्रॉसिंग ना हो, बट हमारी कोई उन पर कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। लेटर ऑन हॉटलाइन पे कुछ बात हुई है हमारे आईबी की इंस्पेक्टर की, तो उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं था कि आज क्रॉसिंग होनी है, कि आज छुट्टी थी।